दोस्तों बिहार शिक्षक बहाली 2023। दोस्त आप देख पा रहे हैं, अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको एक बड़ी खुशखबरी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। आपको पता है आपने अभी हाल ही में बिहार शिक्षक भर्ती की संपन्न हुई परीक्षा में, उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने पार्टिसिपेट किया था। बहुत सारे अभ्यर्थी सफल हुए, जितने लोग सफल हो गए सफल अभ्यर्थियों का फाइनली प्रशिक्षण कार्यक्रम इस समय चल रहा है और 2 तारीख को इनके ज्वाइनिंग लेटर हाथ में मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसी में से अगर आपने परीक्षा दिया था और किसी कारणवश परीक्षा में आप सफल नहीं हो पाए तो आपके लिए एक बड़ी अपडेट है। 70,000 पदों का जो भर्ती का विज्ञापन है वो बहुत जल्द आपके बीच में आ रहा है। यहाँ देख पा रहे हैं, हालांकि बिहार शिक्षक भर्ती के तहत बहुत सारे युवा जो हैं वो यूपी के भी सेलेक्ट हुए हैं, तो यूपी के जितने भी युवा हैं उनका कहना है कि योगी सरकार बिहार सरकार से सीख लेनी चाहिए। योगी सरकार आंख खोलो, भर्ती नहीं तो वोट नहीं, ये लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। 24 में चुनाव है, अभ्यर्थी 24 के चुनाव को टारगेट कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर सरकार भर्ती नहीं देती है तो अगले आने वाले चुनाव में हमारा वोट इस सरकार को नहीं जाएगा। हालांकि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, मैं फैक्ट चीज़ों पर आपसे चर्चा कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है कोई भी सरकार हो हमें सरकार से नहीं मतलब है, लेकिन हमें और आपको रोजगार चाहिए, ठीक है। बाकी ये क्या करें कैसे करें उसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट यहाँ देख पा रहे हैं यार, एक जगह भर्ती की भरमार मची हुई है, ठीक है। एक जगह एक राज्य में यहीं बगल के भर्ती की भरमार है, लेकिन एक राज्य में सरकार आँख मूंद कर मस्त है, ये चीज़ें गलत है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, भर्ती नहीं तो वोट नहीं, BPSC चेयरमैन का एक बयान आ रहा है और आप लगातार कह रहे हैं कि भैया कब तक आएगा नोटिफिकेशन। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूँ संजय, आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले आपके बीच में हम इस पेपर कटिंग को दिखाना चाहें, ये देखिए आपके बीच में लगा है, सबसे ऊपर कहा जा रहा है BPSC से होगी बहाली, शिक्षा विभाग में सामान्य प्रशासन को भेजिए अध्याचन, ठीक है। सूबे में 70,000 रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती जल्द, इसके अंतर्गत कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है राज्य में शिक्षकों के करीब 70,000 रिक्त पदों पर जल्द बहाली होगी। आगे शिक्षा विभाग ने शिक्षक भर्ती के अगले चरण में 70,000 पदों पर नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को बुधवार को अध्याचन भेजा है। और आगे कहा जा रहा है, सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से अध्याचन बिहार लोक सेवा आयोग BPSC को भेजी जाएगी। और कहा जा रहा है, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति इस चरण में होनी है, इसमें माध्यमिक शिक्षा या कहा जाए माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों में 37,710 पद रिक्त हैं, जो कि यहाँ आंकड़ा आप चीज़ें बड़े में लिखी गई हैं, आप इसे भी देख सकते हैं। आगे कहा जा रहा है, वहीं जो है मध्य विद्यालय के शिक्षकों के लिए 31,982 पद हैं। आगे कहा जा रहा है, सालाना जो है 5,512 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ, 70,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के बाद राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ कितना आएगा इसका भी आकलन शिक्षा विभाग कर चुका है। 70,000 पदों पर बहाली पूरा होने के बाद जो है उनके वेतन आदि मद पर सालाना 5,512 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा एक साल। आगे कहा जा रहा है, जो है 1,10,000 पद जो है अनुमान है कि वर्तमान में चल रही जो है शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया माध्यमिक और जो है उच्च माध्यमिक के करीब 40,000 पद खाली रह गए। अगले चरण में नियुक्ति के इन जो है इन पदों को भी अगर जोड़ा जाए तो कुल रिक्तियों की संख्या 1,10,000 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने आंकड़ा आपको बता ही दिया कितने पद रिक्त हैं, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं इस आंकड़े को आप देख लीजिएगा, मोटे तौर पर लिखा है, कहा जा रहा है इन पदों पर होगी बहाली, 37,710 पद माध्यमिक उच्च माध्यमिक के हैं और 31,882 पद जो हैं वो आपके हैं पद जो है मध्य विद्यालय शिक्षकों के। BPSC जल्द शुरू की नियुक्ति प्रक्रिया, ध्यान दीजिएगा
यहाँ कहा जा रहा है आपसे चयनित नियोजित शिक्षक जिस स्कूल में थे उसी में रहेंगे, हालांकि ये चीज़ें छोड़ दीजिए आपके काम के नहीं हैं, बट यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए कहा जा रहा है कि अभी जारी जो है शिक्षक नियुक्ति के रिक्त पदों पर जो है पूरक परिणामों से भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ इस चीज़ को भी आप देख लिए, लेकिन ये भी आपकी काम की चीज़ नहीं है, ये जिनकी भर्तियाँ ऑलरेडी हो चुकी हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। बट अगर आप जो है हाल ही में हुई शिक्षक भर्ती में आपने पार्टिसिपेट किया था और उसमें किसी कारण वह सफल नहीं हो पाए हैं, बिल्कुल आपके लिए बड़ी अपडेट है। यहाँ BPSC चेयरमैन के द्वारा अध्याचन भेजा जा चुका है, जल्द ही सरकार से जैसे ही अनुमति मिलती है तत्काल इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, नोटिफिकेशन तब तक नहीं आएगा जो वर्तमान समय में भर्ती प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही 2 तारीख को जो है फाइनल नियुक्ति पत्र मिलता है तत्काल अगले भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा। और यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप यूपी के अभ्यर्थी हैं तो योगी सरकार से आप लगातार मांग कर रहे हैं कि शिक्षक भर्ती दी जाए फाइनली, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपका जो कहना है ये बिल्कुल सत्य है, अगर भर्ती नहीं तो वोट नहीं, इस चीज़ का हम भी आपका सहयोग करते हैं भैया। सरकार कोई भी हो, चाहे भाजपा सपा कोई भी सरकार हो, मुझे उससे नहीं मतलब है, ठीक है, और ना ही आपसे भी मतलब होना चाहिए। मतलब सिर्फ उससे होना चाहिए कि हमें रोजगार चाहिए, ठीक है। सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कुछ मुझसे नहीं मतलब है, मुझे रोजगार चाहिए तो चाहिए, ठीक है। यार 5 साल से भर्ती नहीं आई है, क्या मतलब है BEd BTC का, बंद कर दीजिए BEd BTC, काहे को बच्चों के 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए फंसा कर आप रख रहे हैं। भर्ती नहीं देना है तो BEd BTC जैसे कोर्स को बंद करिए, ठीक है, ये इसका हम हमेशा विरोध करते हैं। लेकिन जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में भर्ती आपके बीच में देखने को जरूर मिलेगी, थोड़ा सा लेट जरूर आएगा लेकिन वो दुरुस्त आएगी, ठीक है। हालांकि थोड़े पदों पर दें, लेकिन ये अगर हर बार भर्ती देते रहे जैसे BPSC कर रहा है, अगर उसी तरह से भर्ती होती रही तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई युवा बेरोजगार रहेगा जो पढ़ने वाला होगा। बाकी जो है आप खुद समझ सकते हैं, हालांकि यह एक सार्वजनिक मंच है, हर चीज़ यहाँ पर शेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो बहरहाल आपका ये कहना सही है, ये दोनों चीज़ें आपने देख ही लिया, ठीक है। जैसा भी होगा चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।